इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स करने के बाद से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और आप जॉब के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। आइए देखते हैं इस कोर्स के डिटेल के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप जो है SST इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आप चले जाएं। आप सीधा टाइप कर सकते हैं SST4U.com। आप यहाँ पे जाएंगे, SST4U.com पे जाने के बाद से आपको डिप्लोमा कोर्स की पूरी फीस की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है, कौन कौन से कोर्स हैं, उनकी फ़ी क्या है, और फिर उसके बाद से वो कोर्स कब स्टार्ट होगा और कब से उसमें एडमिशन ओपन हो रहे हैं, एडमिशन कब क्लोज हो गया, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल सकती है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल आएगा। तो फिर यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल कोर्स की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कोर्स की नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल कोर्स वर्कशॉप ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग जो है कंप्लीट जो है प्रैक्टिकल होता है आपका, और यह प्रैक्टिकल जो है 7 डेज और 15 डेज के होते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसा कि पता चला कि इलेक्ट्रिकल कोर्स वर्कशॉप ट्रेनिंग जिसकी ये फीस है 2,990 रुपये, और फिर ये इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा 6 अगस्त 2018 रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। इट मीन्स अगस्त में कोई भी एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं, वो सारी सीटें भर चुकी हैं। और फिर नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट मंथ में, अगले माह में जो इलेक्ट्रिकल कोर्स की ट्रेनिंग है उसके लिए ओपन है रजिस्ट्रेशन। आप 10 सितंबर 2018 के लिए आप इसके लिए कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि हर जगह हर कोर्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है, चाहे आपका इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स हो या IGC हेल्थ सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स हो, इंडस्ट्रियल ऑटो कैड कोर्स ट्रेनिंग हो, उसके बाद से वेब डेवलपर का, वेब डेवलपमेंट का हो, इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग हो, ये तमाम तरह की ट्रेनिंग जो है इसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलती रहती है। फिर इसके साथ ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को जानने के लिए उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अक्सर जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप यहाँ से जा करके देख सकते हैं, जहाँ पे तमाम तरह के क्वेश्चंस आपके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। और कोर्स करें कैसे करें, कहाँ से करें, ठीक है, कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है या नहीं है, तो लगभग कुछ कोर्सों में ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन मोड अवेलेबल है और कुछ में ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो उन जो जिसमें ऑनलाइन अवेलेबल है आप उससे को ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, लेकिन जिसमें ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल नहीं है उसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग के लिए कैंपस में जाना पड़ सकता है। और वहाँ पे आपको रहने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है, वहाँ पे आप रह सकते हैं, ठीक है, और फिर कम समय में कम पैसे में आप अपने कोर्स को पूरा भी कर सकते हैं। और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं इलेक्ट्रिकल कोर्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल कोर्स के बारे में और भी जानकारी आप अगर लेना चाहें तो आप बखूबी आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानकारी मिल गई, जॉब के बारे में, और फिर ये सारे कोर्स के बारे में और भी हम चीज़ देखते हैं यहाँ पे। तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के से रिलेटेड आपको जानकारियाँ मिल जाती हैं, ऑनलाइन सेफ्टी कोर्स ट्रेनिंग की जानकारी आपको मिल जाती है और कैसे कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है एडमिशन का, और फिर बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे सपोज करिए ये इसके बारे में अगर हम बात करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन में एडमिशन कैसे लेना है, कहीं आपका पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा है, ये सारी जानकारियां आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। एडमिशन लेने से पहले इन सारी जानकारियों को आपको बखूबी पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर से, ऑटो कैट से, HSC ऑफिसर, ये तमाम तरह के कोर्सेज जो हैं आपको अवेलेबल मिलते हैं, जिसमें आपको नीड हो जो चीज़ आप करना चाहें उस कोर्स को आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर है, और SST इंस्टीट्यूट अपने जॉब प्लेसमेंट रिकॉर्ड के आधार पे ये काफ़ी बेस्ट परफॉर्म करता है, बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट ट्रेनिंग, ये सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करता है। कोर्स के बारे में डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हर एक कोर्स के बारे में उसकी डिटेलिंग है, और उस कोर्स की डिटेलिंग को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आपके लिए फायदा। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स की नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाती है, ये देखिए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स की जानकारी आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये कोर्स देख लीजिए, और फिर जो है इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स की ये जानकारी आपको मिल जाती है। तो
तो ऑनलाइन ये इस समय ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है आपके लिए जो है, तो ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल कोर्स भी अवेलेबल है, जॉब प्लेसमेंट कोर्स ट्रेनिंग में जिसमें जो असिस्ट होता है वो अवेलेबल है, हाउ टू पास जॉब इंटरव्यू अवेलेबल है, फर्स्ट एड कोर्स भी अवेलेबल है, जॉब प्लेसमेंट की भी जो है अवेलेबल है, यस है इसमें, तो ये तमाम तरह की नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। तो जिस कोर्स के बारे में, ये सारे कोर्स ऐसे हैं जो सब प्रोफेशनल कोर्स हैं और जिनकी काफ़ी डिमांड है हर जगह, आपने अगर इस कोर्स को किया तो आपको की को जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और फिर आप जॉब ले सकते हैं। और भी प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको जानकारियाँ मिल जाती हैं, जॉब प्लेसमेंट से रिलेटेड ये सब जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको एक जगह अवेलेबल हैं, थोड़ा सा आपको समय देना होगा और समय जब आप देंगे तो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। होता क्या है कि आप जाते हैं फिर जो है फटाफट एक चीज़ नज़र आया दूसरा नज़र नहीं आया तो आप परेशान हो जाते हैं, कहाँ पे है, यहाँ पे तो अवेलेबल ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। तो तमाम तरह के कांटेक्ट करना चाहें आप तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपका SST इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट एड्रेस है, ये पूरा एड्रेस आपका है, यहाँ से कर सकते हैं। कॉलिंग टाइम आपका है, ये इस पे आप कॉल कर सकते हैं, 9 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आप जो है वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंक्वायरी करना हो तो यहाँ जा करके आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सारा इंक्वायरी लेने के लिए आपको यहाँ बाकायदे प्रोफार्मा है, फॉर्म है, इस फॉर्म को भर दीजिए और भरने के बाद से आप इस चीज़ को जानकारी ले सकते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर एक चीज़ जो है बहुत ही इजी वे में मिल रही है हमको, और फिर जो हमारे ज़रूरत की चीज़ है वो सारी चीज़ें, भाई हर आदमी की ज़रूरत अलग अलग होती है जो जैसा। हाँ, यहाँ पे निवोस क्रैक कोर्स के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है, वे लोग जो कुछ एग्ज़ाम में किसी पेपर में उनका बैक लग जाता है या फिर किसी कारणवश वो पास आउट नहीं हो पाते हैं, उनके लिए भी जो है ये क्रैक कोर्स होता है, उस क्रैक कोर्स को वह स्टडी करके फिर दोबारा एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और फिर आप जॉब के लिए तैयार हो सकते हैं। तो तमाम तरह की जानकारियां आपको यहाँ पे मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स करने के बाद से आपको जॉब मिलने की और उसकी संभावना जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है और आप जॉब के लिए एबल हो जाते हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो खुद का भी आप बिजनेस कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप उन काम कार्य को कर सकते हैं जिसकी डिमांड आज बहुत ज़्यादा है। तो ये देखा जा रहा है कि समय समय पे जिस चीज़ की मांग हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिकल की मांग हमारे पास आ रही है। इलेक्ट्रिकल में क्या है, हर जगह जो भी वर्क हो रहे हैं वो आपके बिजली से रिलेटेड हैं और बिजली से रिलेटेड होने के वजह से आपको जो है वो बिजली के काम को जानने वाला एक्सपर्ट भी चाहिए, और वो एक्सपर्ट जो है बिजली का, सभी लोग बिजली का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अगर गलत तरीके से काम किया गया या अगर शॉक लग गया तो जान जाने के भी चांसेज होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि एक्सपर्ट ही इसका काम करे। और जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग सीखे हुए इन सब चीज़ों को, उनको खतरा नहीं होता है क्योंकि उसके बारे में वो बखूबी जानकारी रखते हैं, सब चीज़ जानकारी रखते हैं और उसके बाद से वो काम करते हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ, तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ से SST इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से आपको मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स आज के समय का एक बेहतर कोर्स है जो जॉब के लिए बेस्ट है, आप इस कोर्स को करने के बाद से आप जॉब के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप बेकार बैठे हैं, बिल्कुल आपके पास कोई काम नहीं है या फिर बहुत दिनों से आप ऐसे हैं, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। पैसे भी आपके बहुत कम लगते हैं, 7 डेज की ट्रेनिंग होती है, 7 डेज की वर्कशॉप ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग को करने के बाद से आप जो है कम से कम एक इलेक्ट्रिशियन का वर्क तो कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिशियन का कार्य करने के लिए अगर इलेक्ट्रिकल की जानकारी होना बखूबी जरूरी है। डोमेस्टिक लेवल पे वर्क आप कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे धीरे धीरे तो फिर आप इंडस्ट्रियल बेस पे भी वर्क कर सकते हैं। कम से कम जहाँ पे बिल्कुल आप बेकार हैं, आपको कोई जॉब नहीं है, आप बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं, कोई पैसा, किसी पैसे की अर्निंग नहीं है, तो उससे बेहतर है कि आप ये कोर्स करने के बाद से कुछ पैसे की अर्निंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को एक नई दिशा दे सकते हैं, उनकी खुशियों को वापस ला सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं
तो कुछ लोगों के लिए बेस्ट कोर्स होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं कि ठीक है आप ये कर लीजिए, बहुत महंगे महंगे भी कोर्स हैं इलेक्ट्रिकल में भी, अगर आगे आप बढ़ते जाइए तो इसमें आपका पॉलिटेक्निक है, ITI है, BTEC है, MTEC है, तो ये आगे बढ़ते जाएंगे तो इंजीनियरिंग कोर्स होते जाती है, लेकिन इनकी पढ़ाई जो होती है वो लाखों में होती है, जो हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो जहाँ पे आज जो है एक सर्वाइवल ही हमारे लिए जो है एक चुनौती बना हुआ है, कैसे हम अपने लाइफ को जो है बेहतर कर पाएँ, ये हम कैसे कुछ पैसे की अर्निंग कर पाएँ, तो ये तमाम बातें हैं। अब उस परिवेश में हम लाखों रुपए की फीस कहाँ से लाएं, तो आपके लिए ये सुविधा है कि आप कम पैसे में अपने लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं, और जैसे जैसे आपके पास पैसे आ जाएं तो फिर आप जो है आगे के कोर्सों को भी कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आज पॉलिटेक्निक भी डिस्टेंस मोड में आप कर सकते हैं, BTEC भी आप कर सकते हैं, MTEC भी आप कर सकते हैं, तो ये तमाम ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन सारा खेल पैसे का है। अगर आपके पास पैसा है तो सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो शायद बहुत मुश्किल होता है, और तो आप इस बात को समझ सकते हैं, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि यह बातें आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।